राज्यरे बन्या दुर्दशा कमी नथिबा बळे आसुची आउ एक बड़ वर्षा आसंता 29 रे बंगोपसागर रे सृष्टि हेबो आउ एक लघुचाप एहार प्रभाव रे सेप्टेम्बर 1 रु 3 जाय उपकूल ओडिसा रे प्रबल वर्षा हेबो सेपटे 23 रु 25 तारीख जाय उपांतर उपकूल सबुठी वर्षा हेबार संभावना रहिछे विशेष करि दक्षिण आभ्यंतरण ओडिसा वर्षा द्वारा अधिक प्रभावित हेबा नै सतर्कता जारी करा दैछि आसंता काली 17 जिल्ला रे घडघडी सह वर्षा नै वार्निंग जारी करा जैथिबा बळे 24 तारीख रे 14 जिल्ला सतर्कता जारी होई वर्तमान बालेश्वर मयूरभंज जिले में बन्या तांडव चली वर्षा समस्या को द्विगुणित करिबार आशंका रही रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना इस बार 22 को भी अगर बात करें तो कोस्टल उड़ीसा के साथ मयूरभंज केन्द्र ढेंकनाल कंधमाल में स्कैटर्ड रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है और बाकी जगहों पर एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बार डे 3 यानी 23 को भी कोस्टल उड़ीसा मयूरभंज केन्द्र ढेंकनाल कंधमाल कलाहांडी रायगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर फेयरली वेल एक्सेप्टेड रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल को, बाकी जगह पर स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। 24 या डे 4 में साउथ इंटीरियर ओडिशा का गंजम गजपति अनुगुल ढेंकनाल में फेयरली वेस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बाकी जगह पर स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का। 25 तारीख को साउथ इंटीरियर उड़ीसा में साउथ इंटीरियर उड़ीसा में फेयरली वेल एक्सेप्टेड रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी जगह पर स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे 3 में 3 जगह पर मयूरभंज केन्द्र बालासोर में एक दो स्थान पर हैवी रेनफॉल की येलो वार्निंग दी है और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के साथ मयूरभंज केन्द्र ढेंकनाल कंधमाल कलाहांडी रायगढ़ इन जगह पर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होने के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। इसका